हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले, थोड़ा सा ना वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, ना किसी भी तरह स्ट्रैटेजी। आज हम बात करने वाले कि हर कोई बात करता, हमने भी एक एपिसोड उस पर किया हुआ है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन क्या सही में उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो किया जाए तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, एक मुद्दा है। दूसरा, जनरली देखा गया कि बहुत लोग उस तरह से स्ट्रैटेजी करने के बाद भी वहां पे नहीं पहुंच सकते, तो उसके रीजंस क्या है। तो आज हम बात करने वाले वो मिस्टेक, वो 8 ऐसे बिग मिस्टेक जिसको अगर आपने कैटर नहीं किया तो जो ड्रीम है 1 करोड़ वाला वो कभी नहीं हो सकता। यानी कि आज हम 8 ऐसे स्टेप्स की बात करने वाले हैं कि अगर आप वो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जो करोड़पति बनने का हमने भी एक एपिसोड किया, दावा किया कि कैसे बन सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए ये भी एक कंपलसरी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपको ये जानना तो ये वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन सी गलती फ्यूचर में ना करें कि जो आपने प्लान किया है, बिगर प्लान किया हुआ, वहां तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमने 8 रूल डिफाइन करने की कोशिश की है और 8 पॉइंट पे, यानी कि ये आप एक स्टेप्स कह सकते हैं कि जिसको आपको अपने ध्यान में रखना होगा। पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी आप उसकी इनकम कमाए उसका 10% तो मिनिमम इन्वेस्ट करें। ये एक थंब रूल अपने लाइफ का बना लें, जो कि ऑलरेडी अगर आप पीछे करोड़पति वाले आपने हमारे एपिसोड को देखा होगा तो उसमें हमने कहा है कि आपने कैसे इन्वेस्ट करना। तो पहला रूल के मिनिमम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड, अगर आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड और EMI के जाल में हैं और किसी भी तरह का EMI पे कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी डिले ना करें पेमेंट में। उसका भी रीज़न हम बताएंगे कि क्यों ना करें, ना EMI बाउंस करें, ना क्रेडिट कार्ड के किसी भी पेमेंट को बाउंस करें, या उसमें जो मिनिमम चार्जेज होते हैं वो ना पे करें, फुल पे करें किसी भी स्थिति में। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो इसमें बहुत परेशानी है, उसके भी हम चर्चा आगे करेंगे। तीसरा, हर आदमी जो भी आज के डेट में एक मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है तो एक कंटिजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। आप इन्वेस्ट करें लेकिन एक कंटिजेंसी फंड बना के रखें, क्योंकि अगर आप कंटिजेंसी फंड बना के नहीं रखते और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पूल को टच करते हैं, तो जो आपका ड्रीम है उसमें कहीं ना कहीं, तो उस परेशानी से बचने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है एक इमरजेंसी फंड बनाएं। दूसरा, जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी, जो भी आदमी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि 4 से 6 महीने का जो भी आपका एक्सपेंस है उसका भी एक पूल होना चाहिए। यानी कि एक तो इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, साथ के साथ आपके पास एक और फंड, ये धीरे धीरे क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपनी सैलरी की स्ट्रैटेजी को सोचना पड़ेगा। तो एक तो इमरजेंसी फंड है, दूसरा 4 से 6 महीने के जो भी आपकी एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस, उसके हिसाब से 4 से 6 महीने का फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। जो पांचवा पॉइंट है, जो भी आपने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा अगर उससे कोई बेनिफिट आता है या पैसा मैच्योरिटी पे पहुंचता है, कुछ भी हो, तो उसको हमेशा रीइन्वेस्ट करें अगर जरूरत नहीं है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो रिटर्न है उसको भी इन्वेस्ट करें। अगर आप एक बुक के बारे में जानते हो कि एक रिचेस्ट पर्सन द बेबी लोन एक बुक है, अगर उसकी स्ट्रैटेजी को आप पढ़ेंगे ना, जो अगर देखा गया है कि जो बेबी लोन था, जो जगह था, वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री थी, वहाँ के लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे। उन्होंने ये बहुत तरह के पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी और जो सिद्धांत कह सकते हैं, प्रिंसिपल थे, उनको डेवलप किया। उन सब में से ये कुछ पॉइंट उनसे भी रिलेट होते हैं। उसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है उसके साथ लगातार कंसिस्टेंट रहे, यानी कि जो भी आपने प्लान बना रखा है इन्वेस्टमेंट का स्पेशली, उसके साथ एक तरह के, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बिहेवियर है, इन्वेस्ट करना एक तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न है। अगर आपने इसको एक बार डेवलप कर लिया तो ये बाई डिफॉल्ट चलता है, और ये बिहेवियर को कंटिन्यू करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते फिर तो जो आपने 1 करोड़ का जो हमने भी सपना आपको दिखाया वो आप नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। साथ के साथ सातवां पॉइंट, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस है उसको पहले दिन लिख के क्लियर कर लें। देखिए, 2 तरह की इनकम होती है। इनकम का मतलब ये, एक आपकी फिक्स सैलरी हो सकती है, कुछ लोग हैं जिनके पास फिक्स सैलरी के अलावा अदर इनकम भी होते हैं। अगर आपकी फिक्स सैलरी है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप
अपने इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियर कट नोट डाउन करें। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अपनी इनकम भी पता होती है और एक्सपेंसेस भी पता होते हैं, तो जो आप प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ये लिखना ही हो सकता है कि आपको लगे कि यार मुझे तो सब पता ही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि जब आप अपने इनकम और एक्सपेंस को लिख के उसको रोज ध्यान से देखते हैं, आपका जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है, वो ऑटो चेंज होता है। ये प्रूवन मॉडल है, यानी कि लिखना बहुत ही जरूरी है। आप इसको इसी तरह से वर्ड लें, तो जो भी आपकी इनकम और जो भी आपका एक्सपेंस है उसको जरूर नोट डाउन करें और उसको बारीकी से देखें कि क्या इसमें कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जो आठवा, जो सबसे क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट पर लगातार अपनी नजर बनाए रखें, यानी कि हमेशा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पे अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर से रिव्यू करें। साथ के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, किसी भी, हो सकता है हमारे साथ ही कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के पहले आप इन्वेस्टमेंट जो करने वाले उसको जरूर रिव्यू करें कि क्या ये मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है या नहीं। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन एज ए सेलर मैं आपको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। और दूसरे पे ब्लाइंड फेथ ना करें, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे उसका रेपुटेशन कितना भी आई है। आप अपने रिक्वायरमेंट को चेक करें कि क्या ये आपके रिक्वायरमेंट में फिट है या नहीं है। अगर नहीं है, इन्वेस्ट करने के पहले सोचे। साथ के साथ किसी के दबाव में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट किया तो वो डूबा हुआ है, यानी कि आप गलत स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। हम बस एक पॉइंट के एक बार फिर से चर्चा करेंगे, बाकी ये 8 पॉइंट है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप उस करोड़पति वाले सपने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो वो स्ट्रैटेजी भी फेल है। हम केवल एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमने सेकेंड पॉइंट बताया था, जो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड और कोई ईएमआई पे कर रहे हैं उसको डिफॉल्ट ना करें। उसका रीजन ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को देखेंगे तो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत हाई होता है। अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं 16-18% के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में हूं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसमें 24-36% यानी 24-36% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप उसको दूसरी तरफ से सोचें कि आपने कितना इंटरेस्ट आपने लूज कर दिया, ये समझने की जरूरत है। और ये आपके पैटर्न हैबिट में नहीं होना चाहिए कि मैंने मिनिमम पे कर दिया, बैलेंस तो मैं ईएमआई पे करता हूँ। इससे आपका जो वेल्थ का जो क्रिएशन है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईएमआई को भी कभी बाउंस ना करें, क्योंकि ईएमआई बाउंस करने पे भी उसी तरह के पैनल प्रोविजन लगते हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ इतने हिडन कॉस्ट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने अगर 10,000 का भी लोन एक मोबाइल के लिए ले रखा तो आपको पता नहीं वो कितनी तरह के चार्जेज आप पे क्रिएट करते जाते हैं। तो हमेशा क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें जब तक कि जरूरत ना हो। अगर आपने यूज भी किया तो उसको टाइम पे पे करें, उसको डिले ना करें, नहीं तो जो आपका सपना है कि हम करोड़पति बनेंगे इस तरह से, वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने 18% का इनकम अर्न करना है, 16% की इनकम अर्न करना है और 36-40% पे कर देंगे, फिर नेट ऑफ में अगर जब आप देखेंगे तो नुकसान में है। तो क्रेडिट कार्ड के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहें जब तक जरूरत ना हो। जब तक जरूरत ना हो इससे एकदम दूर रहें। तो आज हमने केवल बात की कि किस तरह से जो हमने करोड़पति का एपिसोड किया था, अगर आपको स्कीप करना तो उसके लिए 8 ये बहुत मेजर पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो फिर वो करोड़पति का जो हमने एपिसोड वो आपके लिए फिर सपना है। आपको दोनों एपिसोड को समझना होगा, दोनों बातों को समझनी होगी और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका पूरा एक सिस्टम तैयार करना होगा। अदरवाइज आप वो म्यूचुअल फंड की जो स्टोरी है कि हर जगह आप यूट्यूब पे देखेंगे, हर जगह वीडियो मिला है कि करोड़पति कैसे बने, वो तो सबने बताया, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखें कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो थोड़ा सा निगेटिव बात, हम निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जो उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे काम करेगा वो यहाँ भी काम करेगा। अगर वो यहाँ काम करेगा तभी उसके उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तक पहुँच सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शो ऐसे ही देखते रखें और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो या किसी तरह का कोई आशंका हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी तरह का आप अगर निदान चाहते हैं तो HelloTax आपका एक बहुत ही अच्छा जरिया है, जहां पे आप आके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में चल रही है, आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल बटन दबाना भी ना भूलें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बेल बटन दबा रखा तो कभी अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंट पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।